नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के अनुचित और आदतन संदर्भ को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत की ओर से यह प्रतिक्रिया सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, सामान्य विकास के जरिए स्थायी शांति को बढ़ावा देने विषय पर खुली बहस में आई। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में दूत मुनीर अकरम ने अपनी टिप्पणी में कश्मीर का संदर्भ दिया था, जिसके बाद चीन की अध्यक्षता में बहस का आयोजन हुआ। आईसीसी ने विश्व कप समाप्त होने के बाद सबसे अच्छी फील्डिंग करने वाली टीम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि यहां भी ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया टीम की फील्डिंग को सबसे बेस्ट बताते हुए पहले पोजीशन पर रखा है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया को 383.58 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर रखा है। इसके अलावा इस सूची में 340.59 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे स्थान पर रही। सूची में तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। भारतीय टीम को इस विश्व कप में फील्डिंग करने के मामले में चौथे स्थान पर रखा गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ने अब तक के सबसे अधिक दर्शकों वाला आईसीसी आयोजन बनकर इतिहास रच दिया है, जब 1,205,307 प्रशंसक सबसे बड़े क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखने के लिए टर्नस्टाइल से गुजरे और ऑस्ट्रेलिया ने उल्लेखनीय छठा खिताब जीता। 12.5 लाख से अधिक प्रशंसकों का आंकड़ा क्रिकेट के इतिहास में एक नया मानदंड है, जो किसी भी अन्य आईसीसी आयोजन की उपस्थिति के आंकड़े से कहीं अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC की ताजा रिपोर्ट में यह सामने आया है कि खसरे के टीकाकरण में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद 2022 में इस रोग के मामलों में 18% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 90 लाख तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 2022 के बीच खसरे में होने वाली मौतों में 43% का इजाफा हुआ है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले इस साल रोग से 1,36,000 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। ICMR की एक हालिया स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोविड-19 के लिए लगाए गए टीकों से भारत में युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा है। स्टडी के मुताबिक कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती रहना और मौत से कुछ समय पहले ज्यादा शराब पीना और तीव्र शारीरिक गतिविधि जैसे कुछ व्यवहार ऐसे कारक है जिससे आकस्मिक मौत की आशंका बढ़ी है। इस बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके कारण किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक फेस्टिव सीजन के दौरान बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिली। अब फेस्टिव सीजन के बाद अब 23 नवंबर से शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए बाजार शानदार कारोबार की उम्मीद के साथ पूरी तरह से तैयार है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि इस दौरान देश भर में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। आने वाले 23 नवंबर 2023 से शुरू होने जा रहे शादियों के सीजन में इस बार देश भर में करीब 38 लाख शादियां होने वाली है, जिनके जरिए देश के मेनलाइन रिटेल व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल 4 औद्योगिक गलियारों दानकुनी, कल्याणी, ताजपुर, रघुनाथपुर, दानकुनी, झारग्राम एवं दुर्गापुर कूच बिहार की योजना बना रहा है। बंगाल में 90 लाख MSME इकाइयां हैं, जिनमें 1.3 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की अर्थव्यवस्था 8.41% सालाना की दर से बढ़ रही है और इस वर्ष में यह 212 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने मंगलवार को IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हरा दिया। पंकज ने इसके साथ ही 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। सौरभ भी भारतीय खिलाड़ी है, लेकिन वे फाइनल के पंकज के सामने टिक नहीं सके। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था। उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट में 9 बार खिताब जीता है, वहीं पॉइंट फॉर्मेट में वह 8 बार चैंपियन रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल चुनावों को लेकर काफी आम सा हो गया है। सोशल मीडिया, 3D टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करना सियासी पार्टियों के लिए आसान हो गया है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले चुनाव में भ्रामक चीजों को प्रसार के प्रति उत्तरदायी हो सकता है। AI की मदद से लोगों में भ्रांतियां फैल सकती हैं। इसका हालिया उदाहरण डीप फेक तकनीक है। डीप फेक की वजह से असली और नकली के बीच की फर्क करने में चुनौती पेश आ रही है। SMS के इस्तेमाल से भारतीय चुनावों में राजनीतिक नेताओं को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां या अपमानजनक बयान के वीडियो, ऑडियो और ऑडियो क्लिप की बाढ़ आ सकती है। देश की इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन को चुनौती कायम है और इसका लेकर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक हाई अलर्ट पर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मिनिस्ट्री ने 21 नवंबर को अक्टूबर की आर्थिक रिपोर्ट जारी की। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में हालिया गिरावट और कोर इन्फ्लेशन में लगातार गिरावट से महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिली है। केंद्रीय बैंक भी इस परिस्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और उसके संकेतों के मुताबिक बेहद जरूरी होने पर ही ब्याज दरों में और बढ़ोतरी होगी।
भारत रक्षा क्षेत्र में आए दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारतीय नौसेना और DRDO ने मंगलवार को ही स्वदेशी नेवल एंटी सिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण सिकिंग 42वीं हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया है। नौसेना ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अहम कदम है। नौसेना ने इसका वीडियो जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिकिंग 42वीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से नेवल एंटी सिप मिसाइल का परीक्षण किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार डीप फेक और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार और शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों के साथ अलग से दो बैठकें भी बुलाई है। गुरुवार को होने वाली बैठक में फोटो वीडियो में होने वाली छेड़छाड़, जबकि शुक्रवार की बैठक में IT नियमों के पालन पर चर्चा की जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सशक्तिकरण करने वाले हैं, मगर इनका इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने, समाज में टेंशन पैदा करने, अव्यवस्था पैदा करने और हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। राज्य के सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में मिशन दक्षता योजना एवं दिसंबर से शुरू होगी। इस योजना में कक्षा 1 से 5 तक के 25 लाख बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। अप्रैल में बच्चों की जिलास्तर पर परीक्षा ली जाएगी, अगर उसमें बच्चे फेल होंगे तो प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने जाति सर्वे की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद ही बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। बिहार में नीतीश तेजस्वी के मंडल 2 को क्या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड रोक सकेगा, अब इसकी चर्चा होने लगी। हालांकि नीतीश सरकार की ओर से विधानसभा में पेश की गई रिपोर्टों ने समाज के जातीय विभाजन के साथ ही इस बात को भी साफ कर दिया है कि गरीबी का संबंध जाति से है। राज्य सरकार के आरक्षण से जुड़े 2 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जाति की आबादी के अनुरूप मंत्रिमंडल के गठन की मांग की है। मांझी ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया, बिहार में आरक्षण बढ़ाने के बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। उम्मीद है आज ही CM नीतीश कुमार वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति की आबादी के अनुसार नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी सभी जातियों को मिलेगी, सरकार की जिम्मेदारी। इंडियन एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। एक के बाद एक नए लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। राफेल तेजस के बाद अब वायुसेना ने 12 सुखोई 30 MKI का ऑर्डर दिया है। सुखोई श्रेणी के ये राष्ट्रीयन लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के पास पहले से है। वायुसेना इनकी संख्या और बढ़ाने जा रही है। भारतीय वायुसेना ने 12 उन्नत Su-30 MKI लड़ाकू जेट की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक निविदा जारी की है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में 2021 में सेना के तख्ता पलट के बाद से लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। म्यांमार में बड़ी तादाद में शरणार्थी मिजोरम आ रहे हैं। इसी बीच विद्रोही समूहों ने एक आर्मी कैंप का निशाना बनाया, जिसके बाद म्यांमार के कई सैनिक मिजोरम आ गए। इस बीच भारतीय सेना के पूर्वी कमान में सबसे बड़े अधिकारी ने कहा है कि 1643 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा की रक्षा करने वाली असम राइफल्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे न सिर्फ देश में शरण लेने वाले ग्रामीणों बल्कि म्यांमार के सैनिक कर्मियों को भी प्रवेश की अनुमति दें। हॉकी इंडिया ने कहा है कि साई केंद्र में 22 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले सीनियर राष्ट्रीय महिला कोचिंग शिविर के लिए सोमवार को 34 सदस्यीय संभावित टीम घोषित की। भारत को 15 से 22 दिसंबर के बीच वलेसिया में होने वाले 5 देशों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। भारत के अलावा इस प्रतियोगिता में आयरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और मेजबान स्पेन की टीम भाग लेगी। भारतीय खिलाड़ी इस महीने के शुरू में रांची में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद शिविर में वापसी करेंगे। भारत ने इस प्रतियोगिता के फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा है कि वह सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के असत्यापित दावे करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए, जिससे भ्रामक विज्ञापनों और असत्यापित दावों पर रोक लगाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी वाणिज्यिक इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि वो कोई भी भ्रामक विज्ञापन और गलत दवा न करे। साथ ही कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। भारत में इन दिनों हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इस तरह के सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को कहा कि फूड आइटम्स का सर्टिफिकेशन सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही करना चाहिए, किसी गैर सरकारी एजेंसी की तरफ से ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देना ठीक नहीं है। निर्मला सीतारमन का यह बयान उत्तर प्रदेश सरकार के हलाल सर्टिफिकेशन वाले फूड आइटम्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स पर बैन लगाने के हालिया फैसले पर आया है। मंगलवार को टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी का शेयर ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। ज्वेलरी से लेकर आईवीआर बनाने वाली कंपनी टाइटन से शेयर 1.5% से आगे की तेजी देखने को मिली और कंपनी का शेयर 3,401 रुपए पर आ गया, जिसके बाद टाइटन कंपनी का मार्केट कैप भी 3,00,000 रुपए को पार कर गया। सोने के बढ़ते इंपोर्ट के बीच टाइटन के शेयर में उछाल देखने को मिला है। कंपनी का शेयर 31 महीनों में सबसे अधिक हो गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण त्योहारों से पहले सोने की कीमतों में गिरावट के साथ ज्वेलर्स की ओर से गोल्ड की डिमांड में साल दर साल 60% इजाफा देखने को मिला है।
फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। कलिंगा स्टेडियम में हुए मुकाबले में कतर ने भारत को 3-0 से हराया। 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाले कतर को हराना भारत के लिए आसान नहीं था। हालांकि यहां जीत हासिल करने पर भारतीय टीम के लिए आगे की राह आसान हो जाती, लेकिन हार के बावजूद भारतीय टीम फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने की रेस से बाहर नहीं हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। मंगलवार को सुरंग के अंदर से मजदूरों को वीडियो सामने आने के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं। वीडियो में मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए। पीएम नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अपडेट ले रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी ने फिर सीएम धामी को फोन करके जानकारी ली। सीएम पुष्कर धामी ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट कर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फोन पर बात कर सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों के लिए भोजन, दवाइयां, अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं उन्हें सकुशल बाहर निकालने हेतु चल रहे कार्यों की जानकारी ली। जामताड़ा की तरह अब गिरिडीह के गांव-गांव में साइबर क्रिमिनल्स के गिरोह सक्रिय हैं। पिछले दो महीने के दौरान जिले में 51 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए हैं। मंगलवार को पुलिस ने एक साथ 9 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट बुक करने के नाम पर इन्होंने फर्जी ऐप बना रखा था। इसके अलावा सर्च इंजन गूगल में उन्होंने अपने कई नंबरों को डॉक्टर्स के नाम पर फीड कर रखा था। लोग गूगल पर डॉक्टरों के नंबर की तलाश करते हुए इनके ट्रैप में फंस जाते थे। सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स असिस्टमेंट केस में गांधी परिवार और आपकी याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आपके और कई चैरिटेबल ट्रस्टों ने आयकर असिस्टमेंट का इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति एसएनवी भट्टी की पीठ ने सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। एडुटेक कंपनी बायजूस की आर्थिक सेहत सामान्य होती नहीं दिख रही। उसके पूर्व कर्मचारियों ने पेमेंट भुगतान समय पर नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कंपनी ने तय डेडलाइन पर फाइनल सेटलमेंट का पेमेंट नहीं किया है। एक कर्मचारी का आरोप है कि उसे 45 दिन में पैसा मिलना था, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी उसके फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं हुए हैं। कई कर्मचारियों का दावा है कि पेमेंट में अभी भी देरी हो रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से जल्द ही बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए डेटशीट जारी होने की उम्मीद है। सीबीएसई की ओर से 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम 2024 की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी की जाएगी। बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए रोल नंबर एडमिट कार्ड फरवरी में जारी हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं के एग्जाम देंगे वह अपने रोल नंबर अपने अपने स्कूल से ले सकेंगे। रोल नंबर लेने के बाद स्टूडेंट्स उसमें डिटेल ठीक से चेक कर लें। पाकिस्तान में अब सरकारी अधिकारियों को साहिब कहकर नहीं पुकारा जाएगा। दरअसल यहां के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईशा ने सरकारी अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साहिब शब्द को प्रतिबंधित कर दिया है। दो पन्नों के अपने आदेश में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि साहिब शब्द अनावश्यक रूप से अधिकारियों के ओहदे को बढ़ाता है और इससे उनमें जनता के प्रति जवाबदेही न होने की भावना उत्पन्न होती है। ईशा ने कहा कि किसी की पद में साहिब शब्द जोड़ना सही नहीं है। इससे अधिकारियों में शान का भ्रम होता है और गैर जवाबदेही दिखाई देने लगती है। यह सब कुछ अस्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह उनके हित के खिलाफ है जिनकी सेवा के लिए वो होते हैं। आगामी समय में टाइटन कंपनी 3000 से भी ज्यादा लोगों को नियुक्त करेगी। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि वह इंजीनियरिंग डिजाइन, लग्जरी, डिजिटल डेटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग और सेल्स सहित दूसरे क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों में 3000 से अधिक कर्मचारियों को जोड़ने की योजना बना रही है। भाषा की खबर के मुताबिक कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि कंपनी डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, उत्पाद प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य नए जमाने के कौशल जैसे विशेष कौशल वाले पेशेवरों की तलाश कर रही है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे। गंभीर ने आज लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी का साथ छोड़ने का ऐलान किया और इसके साथ ही कुछ मिनट बाद ही केकेआर जर्सी में फोटो शेयर कर लिखा कि मैं वापस आ गया हूं। गंभीर की कप्तानी में केकेआर 2 बार आईपीएल चैंपियन बन चुका है। गंभीर को आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शामिल किया जाता है। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद अफहीम, नौशद अंसारी, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल में आपका पसंदीदा टीम कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।